भारत में त्योहारों का इतना इम्पोर्टेंस है कि लगभग साल भर में 6-8 महीना तो भारत की इकोनॉमी त्योहारों से चलती है। अगर मैं बात करूं, सावन सोमवार से स्टार्ट होते हैं जो त्यौहार, और दिवाली छठ उत्सव तक 3-4 महीने तो इधर, और फिर और भी दूसरे स्टार्टिंग के महीनों में इतनी खरीदारी, इतने सारे लोगों का आना जाना, इतना सारा पैसा इधर उधर होना, और इन सब चीज़ों में सरकार भी मदद करती है क्योंकि अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट तो वहीं से होता है। जब देश खर्चा करेगा इकोनॉमी तभी चलेगी, और उस इकोनॉमी को बनाने के लिए रेलवे भी बहुत हेल्प करता है। त्योहारों का मौसम यानी लोग अपने घर जाएंगे, लोग अपने लव्ड वन के पास जाएंगे, लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, माता पिता के यहाँ जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? एयरलाइंस में मुश्किल से 1-2% लोगों का ही स्थिति है चलने की। रेस्ट जो पूरा भारत ट्रैवल करता है वो ट्रैवल करता है रेलवे में। बहुत सारी ट्रेनें अभी तक मैं खुद अनाउंस कर चुका हूँ, मतलब मैंने नहीं किया, अनाउंसमेंट रेलवे की तरफ से हुआ था, आप तक पहुँचाया है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्रेनें जो ऑलरेडी चल रही थी जिनको बंद ना करके बढ़ा दिया गया है आगे के 2-3 महीने तक, कि त्यौहार की भीड़ और भी जो दूसरे लेवल की भीड़ है वो सब मेंटेन रहे और आपको रेलवे की सर्विस मिलती रहे। इसी तरीके से स्पेशली बिहार और यूपी के लिए ज़्यादातर ट्रेनें होती हैं, 80% ट्रेनें तो वहीं के लिए होती हैं। तो अगेन आज बिहार और यूपी की कुछ ट्रेनों के लिए एक्सटेंशन की न्यूज़ आपके लिए लाया हूँ, जिनको 2-2, 3-3 महीना एक्सटेंड कर दिया गया है ट्रेनों को। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी ट्रेन है। सबसे पहले 0557 और 0558। 0557 रक्सौल से LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस चलती थी। कब चलती थी? ट्यूसडे को चलती थी, और ये चलनी थी 24 सितंबर तक, जिसको बढ़ा के 1-10 तक कर दिया गया है। मतलब बढ़ा के 1-10 से 20-1 तक, मतलब अगले साल 20 तारीख जनवरी तक कर दिया गया है। अच्छे से समझिए, 0557 रक्सौल से LTT चलती थी, ट्यूसडे को चलती थी। कब तक चलनी थी? 24 सितंबर तक चलनी थी। अब उसको बढ़ा के 1-10 से, ये वीकली ट्रेन है तो 24 के बाद 1 तारीख को इसका नंबर आता, तो 1-10 से उसको बढ़ा के 20-1-2025 तक कर दिया गया है। ये वीकली ट्रेन है। अब इसके वापसी में 0558 जो LTT से रक्सौल चलेगी, वो चलती थी थर्सडे को, और 3-10 से 30-1 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट 0585 रक्सौल से LTT ही है, ये फ्राइडे को चलती थी। कब तक चलनी थी? 30-8 तक चलनी है। अब ये 27-9 से 31-5 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ओके, नेक्स्ट LTT से रक्सौल 0586 संडे को चलती थी, अब इसको बढ़ा के 27-9 से 2 फरवरी तक के लिए कर दिया गया है। इसके पहले मैंने आपको 31-5 बोला था, माफ़ कीजिएगा, 31-5 नहीं, वो 31-1 तक है, 31 जनवरी तक रक्सौल से LTT 27-9 से बढ़ के अब वो 31-1 तक के लिए हो गई है। और इसी के वापसी में LTT से जो रक्सौल चलेगी वो संडे को चलती है, 27-9 से 2-2 तक के लिए हो गई है। नेक्स्ट 03246 03251 बैंगलोर से दानापुर फ्राइडे को चलती है। कब तक चलनी थी? ये 6-9 तक चलनी थी, अब इसको एक फेरे के लिए और बढ़ा दिया गया है, 13-9 को और चलेगी ये। अभी इसके वापसी में दानापुर से बैंगलोर ये फ्राइडे को चलती थी, कब तक चलनी थी? 2-9 तक चलनी थी, इसको एक फेरे के लिए और बढ़ा दिया गया है, 8-9 को भी ये चलेगी, हालांकि चल चुकी होगी जब तक ये न्यूज़ बन रही है। नेक्स्ट 03252 बैंगलोर से दानापुर 4-9 तक चलनी थी, इसको बढ़ा के 10-9 से 17-9 तक कर दिया गया है। 03248 दानापुर से बेंगलोर 7-9 तक चलनी थी, अब इसको बढ़ा के एक फेरा और बढ़ा दिया गया है, 4-9 तक कर दिया गया है। 03241 दानापुर से बेंगलोर 6-9 तक चलनी थी, अब इसको 13-9 को भी चलाया जाएगा, और बेंगलोर से वापस दानापुर 03242 बेंगलोर से दानापुर 8-9 तक चलनी थी, अब ये 15-9 को और चलेगी। गाड़ी नंबर पे विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन आप गाड़ी नंबर पे जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल नेट पे भी मिलेगी, और ये सभी गाड़ियों का एक्सटेंशन कर दिया गया है। अगर आप इन पे ट्रैवल करना चाहते हैं, ज़रूर एक बार चेक के इनकी टिकट करवा सकते हैं।